से आपका इस क्लास के अंतर्गत हार्दिक स्वागत और इससे जो पिछली क्लास हुई थी उसके अंतर्गत अपन ने यूज ऑफ व्हाट और वेयर का पढ़ा था। आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो है यूज ऑफ व्हेन। यूज ऑफ व्हेन मतलब व्हेन का प्रयोग कहां किया जाता है। ध्यान देना, व्हेन शब्द का मतलब होता है कब, जब, कब जब कब तब, कब जब तब। अब ये क्या है, ये जब है, कब है, तब है, ये किस प्रकार के शब्द है। ये शब्द है समय सूचक। कैसे शब्द है, समय सूचक शब्द है, मतलब कि एक समय का, एक टाइम का बोध कराते हैं, एक समय का या एक टाइम का बोध कराते हैं। अब ये समय क्या है, देखिए समय के अंतर्गत केवल और केवल जो अपनी वॉच होती है घड़ी, उस घड़ी का ही टाइम नहीं होता। ये तो सबसे पहली बात है भाई, घड़ी का समय। इसके अंतर्गत देखो दिन, महीना, वर्ष, ऋतु, इन सब के नाम। दिन का नाम संडे भी एक प्रकार का टाइम है, महीने का नाम जनवरी भी एक टाइम है, वर्ष 2020 भी एक टाइम है, ऋतु स्प्रिंग ऑटम जो भी है, ये सब के सब क्या है, इनके अंतर्गत अपना नाम होता है। अब जब अपन देखते हैं कि भाई ये जो समय सूचक शब्द है, अब इनके अलावा ये जो समय को इंडिकेट करते हैं वो तो है ही, इनके अलावा भी किसी क्रिया का होना, किसी क्रिया का होना भी एक समय को इंडिकेट करता है। किसी क्रिया का होना भी एक समय को इंडिकेट करता है। मतलब कैसे, जैसे आप घर पर रहे, आप लंबे समय तक घर पर रहे, कब, कब टाइम पूछ लिया, जब कोरोना आया, एक क्रिया हुई कैसी, कोरोना के आने की। तो कोरोना के आने का टाइम क्या हो गया, आपके द्वारा लंबे समय तक घर पे रहना हो गया। तो एक क्रिया के होने और दूसरी क्रिया के होने का अगर समय समान है या एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से लिंक है, तो उस कंडीशन के अंतर्गत वो दूसरी क्रिया भी एक क्रिया के लिए समय बन जाती है। जैसे अपन देखते कि दुर्घटना घटित हुई, कब, जब हम जयपुर जा रहे थे। दुर्घटना के घटित होने और जयपुर जाने दोनों क्रियाओं का आपस में क्या हो गया, संबंध हुआ। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि एक क्रिया का दूसरी क्रिया के साथ होने का अगर टाइमिंग सेम है तो एक वर्ब दूसरी क्रिया के लिए समय बन जाती है। जब बरसात आई तब मैं नहाया, तो मेरे द्वारा नहाने की क्रिया कब हुई, जब बरसात आई। तो इनका संबंध देखो बताने के लिए, तो सीधी सी बात भी हम, इसका कॉन्सेप्ट भी सरल है कि वहन है तो मतलब टाइम के साथ होगा। इसका भी एक सीधा सा कॉन्सेप्ट, अगर कोई भी टाइम को इंडिकेट करने वाले वर्ड है तो वो यहां पहले लिखे जाएंगे, उसके बाद में वहन का प्रयोग होगा और उसके बाद किसी भी प्रकार की कोई नाउन, कोई प्रोनाउन या कोई वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। समझ गए, आप
एन का प्रयोग कर देते हो तो यदि सेंटेंस के अंतर्गत नाउ देन ऐसे कुछ शब्द हो जो टाइम को इंडिकेट करते हो, जो टाइम इस टाइम के लिए आए हो, उन शब्दों को हटा दिया जाता है। अब देखो एग्जांपल, इट वॉज मिडनाइट, यू कॉल्ड मी देन। अब इसको वेन से कनेक्ट करना है। इट वॉज मिडनाइट, ये लगभग आधी रात का समय था, ये लगभग आधी रात का समय था। यू कॉल्ड मी देन, आपने मुझे तब कॉल किया, मतलब आपके द्वारा जो कॉल किया गया था उस कॉल करने का टाइम क्या हो गया, मिडनाइट। तो मिडनाइट एक क्या है, टाइम को इंडिकेट कर रहा है, समय सूचक शब्द है, एक समय सूचक शब्द है। तो एक समय सूचक शब्द के साथ वेन का प्रयोग हो जाएगा, इट वॉच It was midnight when you called me। और then क्या हो जाएगा, यहां से automatically हट जाएगा, मतलब when you called me, जब आपने मुझे फोन किया तो आधी रात थी। when you called me, जब मुझे आपने फोन किया तो आधी रात थी। इसी प्रकार से एक सेंटेंस और देखो, इट इज जनवरी ठंडक महसूस होती है। तो हमारे को ठंड महसूस होने का टाइम क्या है, जनवरी का महीना। तो ये क्या हो जाएगा कि इट इज जनवरी व्हेन वी फील कॉल्ड। इट इज जनवरी व्हेन वी फील कॉल्ड, जनवरी के महीने में, ये जनवरी का महीना है जब हम ठंड महसूस करते हैं। अब नहीं, जब हो गया ना, पहले तब था, अब हम ठंड महसूस करते हैं, और यहां क्या हो गया, ये जनवरी का महीना है जब हम ठंड महसूस करते हैं। तो जनवरी का महीना ही वो होता है जिसके अंतर्गत हमें ठंड लगती है। तो ये हो गया, तो कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना भैया, टाइम टाइम के बाद व्हेन, व्हेन के बाद किसी प्रकार के नाउन प्रोनाउन या वर्ब आ जाती है, कॉन्सेप्ट नंबर एक। अब इसी व्हेन का यूज है जिसमें कॉन्सेप्ट नंबर दो काम करेगा। अब देखो कॉन्सेप्ट नंबर दो क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर दो जो भी मैंने बात की थी वर्ब की, मतलब इधर वी फर्स्ट व्हेन का यूज रहेगा और इधर वी टू वर्ब की फर्स्ट को से कोई मतलब नहीं है, सेकंड फॉर्म से कोई मतलब नहीं, थर्ड फॉर्म से कोई मतलब नहीं है, या क्रिया नंबर एक से मतलब है या क्रिया नंबर दो से मतलब है, मतलब इस क्रिया के होने का और इस क्रिया के होने का जो समय है उन समय के बीच में संबंधता है, ये समय एक है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब पहले किसका यूज करना है, तो भैया सीधी सी बात है, जो क्रिया पहले हो जाए। अब हो सकता है भैया कुछ काम क्या होते हैं, पहले स्टार्ट हो जाते हैं, समझ गए, जैसे ये गाड़ी है, ये गाड़ी जयपुर जा रही है, ठीक है, जयपुर जाने के लिए रवाना होगी और ये यहां पर आपका जयपुर है, लेकिन
इसके जयपुर पहुंचने से पहले पहले ही यहां पर रास्ते में इसको कोई दूसरी गाड़ी मिल गई या ट्रैफिक पुलिस मिल गया, कोई सवारी मिल गई, जो भी हो यहां मिल गया। पहले काम कौन सा हुआ? गाड़ी के द्वारा जयपुर जाने का। लेकिन जयपुर जाने की जो क्रिया क्या है अभी कंटिन्यू प्रोसेस में, लेकिन यहां पर किसी दूसरे व्यक्ति के मिलने का काम तो बाद में हुआ लेकिन पहले पूरा हो गया। तो जो कार्य पहले स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट कौन सा वाला पहले, उसको आप पहले लिख दो। कैसे? वी वर गोइंग टू जयपुर, हम जयपुर जा रहे थे। वी सा ए टाइगर दे, तब हमने एक टाइगर देखा। अब हमारे द्वारा जयपुर जाने का और टाइगर देखने का जो काम है वो एक दूसरे से कनेक्ट है। हमने टाइगर देखा कब? जब हम जयपुर गए। तो वी वर गोइंग टू जयपुर व्हेन वी सा ए टाइगर, और देन को क्या कर देंगे? हटा देंगे। जब वी वर गोइंग टू जयपुर व्हेन वी सा ए टाइगर, हम जयपुर जा रहे थे तब हमने एक टाइगर देखा। यहां इसका अर्थ क्या है? तब We were going to जयपुर, हम जयपुर जा रहे थे तब हमने एक टाइगर देखा। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस जोड़ देखो। I met to PM. I went to दिल्ली। मैं प्रधानमंत्री से मिला, मीट की सेकंड गवर्नमेंट। आई मेट टू पीएम प्रधानमंत्री से मिला कब? आई वेंट टू दिल्ली, जब मैं दिल्ली गया। आई मेट टू पीएम कब? व्हेन आई वेंट टू दिल्ली। ये तो इस प्रधानमंत्री से मिलने और दिल्ली से दिल्ली जाने कि जो क्रियाएं हैं वो आपस में एक दूसरे कनेक्टेड है, एक समय में हो रही है, इसलिए दो क्रियाओं का एक साथ होना भी एक दूसरी क्रिया के लिए समय बताने का कार्य कर देता है। तो वर्ब फर्स्ट और वर्ब सेकंड का यूज इस प्रकार से करते हैं। इसमें ज्यादा प्रॉब्लम बात नहीं, पहले सेंटेंस है उसको पहले रख दीजिए, बाद वाला सेंटेंस उसको बाद में रख दीजिए। इसमें ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है कि पहले क्रिया कौन सी क्रिया नहीं हुई, क्योंकि दोनों क्रियाओं के होने का समय एक साथ होता है। हो सकता है कुछ क्रियाएं स्टार्ट पहले होती है, कुछ क्रियाएं समाप्त पहले होती है, जिससे इसमें यहाँ कार्य के प्रारंभ होने की स्थिति है, ये विवरण है वर्ब पहली फॉर्म में, लेकिन यहाँ फिनिश कौन सी फॉर्म हुई, ये इनके द्वारा मिलने का कार्य है, टाइगर को देखने का कार्य पहले पूरा हुआ। अब ये तो हो गया वहन का कार्य। अब इसके बाद में इस वहन के जैसा ही है, इससे ज्यादा कनेक्टेड ही है, यूज ऑफ वाहे जब। अब देखो यूज ऑफ वाहे, इसका भी प्रयोग जबकि शब्द के अर्थ में होता है और समय के साथ साथ एक क्रिया की दूसरी क्रिया विपरीत, एक ही समय में जब दो क्रियाएं हो रही होती है, इसमें क्या होता है? वर्ब नंबर फर्स्ट, वर्ब नंबर सेकंड, सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, सब्जेक्ट नंबर सेकंड, ये होता है। मतलब कार्य करने वाला अलग है तो उसके द्वारा कार्य भी अलग किया जाएगा, दोनों में एक दूसरे में कोई संबंधता नहीं है, दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत है, दोनों एक दूसरे के क्या है?
विपरीत है उस कंडीशन के अंतर्गत व्हाइल का यूज किया जाता है। जबकि व्हेन का यूज अपन कब कर रहे थे, व्हेन का यूज कब कर रहे थे कि जब ये जो है सब्जेक्ट ये एक ही थे, इन्हीं के द्वारा गाड़ी चलाई जा रही थी, इन्हीं के द्वारा यहां आकर मिला गया था, टाइगर देखा गया था, लेकिन क्रिया अलग अलग होगी, लेकिन जो कार्य करने वाला जो पर्सन था वो एक ही था। लेकिन जब कार्य करने वाले आदमी ही चेंज हो जाते हैं, कार्य करने वाले आदमी ही चेंज हो जाते हैं उस कंडीशन के अंतर्गत, उस कंडीशन के अंतर्गत वहन की जगह वाहिल का प्रयोग कर दिया जाता है। देखो इसको अपन कैसे शो करेंगे, एक्शन नंबर फर्स्ट वाहिल, एक्शन नंबर सेकेंड, एक्शन नंबर एक और एक्शन नंबर दो, एक्शन नंबर एक और एक्शन नंबर दो, ये लो भैया। अब देखो जैसे सुनीता वॉच रीडिंग संस्कृत संजू वॉच रीडिंग सोशल साइंस, ये लो भैया देखो यहां सब्जेक्ट सुनीता है, यहां सब्जेक्ट संजू है, इसके द्वारा संस्कृत पढ़ने की बात होती है और इसके द्वारा सोशल साइंस पढ़ने की बात होती है। तो जब कार्य करने वाले अलग अलग हो, इनके द्वारा अलग अलग कार्य किया जा रहा हो, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हो, उस कंडीशन के अंतर्गत अपन व्हाइल का यूज करते हैं। इसमें यह जरूरी है कोई सा भी पहले, क्योंकि दोनों कार्य के होने का समय एक साथ है, इधर ये पढ़ रही है उधर वो पढ़ रही है, कार्य एक साथ हो रहा है, एक साथ शुरू हुआ था एक साथ समाप्त होगा, दोनों के दोनों कार्य भी क्या है हमारे लिए कंटिन्यू है, ये एक्शन नंबर फर्स्ट कंटिन्यू, एक्शन नंबर टू कंटिन्यू, लेकिन सब्जेक्ट अलग अलग है और एक्शन अलग अलग है, इसलिए दोनों के बीच में व्हाइल का प्रयोग किया जाता है। बिना सोचे समझे आपको दोनों सेंटेंसों के बीच में व्हाइल लगाना है, यदि व्हाइल का यूज करना आ जाए तो। आप देखो इसके बाद एक आता है बेटा डब्ल्यू एच वाई, वाई का प्रयोग अपन देख लेते हैं, वाई का प्रयोग किया जाता है क्यों के अंत में, क्यों। अब क्यों क्या पूछता है, कारण पूछता है, क्यों क्या पूछता है, कारण पूछता है, समझ गए। अब क्यों पूछता है कारण, तो इसका मतलब जब कोई भी रीजन दिया गया हो तो रीजन के साथ वाई का यूज करना है और आगे अपन को किसी न किसी प्रकार की कोई नाउन या प्रोनाउन मिल जाएंगे, जैसे इट इज ए I did not.
इट इज अ रीजन, ये कारण है आई डिड नॉट कम स्कूल, मैं स्कूल नहीं आया। तो क्या कारण है? वो कारण वो इधर इस सेंटेंस में बताया गया है। तो इट इज ए रीजन, इट इज ए रीजन, यही एक कारण है कि व्हाई आई डिड नॉट कम स्कूल, मैं स्कूल नहीं आया। तो इस प्रकार से रीजन जो वर्ड है वो दिया जाएगा, क्योंकि रीजन में वो कारण को इंडिकेट करता है, कारण बताने के काम आता है। तो वाई का प्रयोग रीजन के अर्थ में किया जाना है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट बात है इसकी भी। और इसमें अगर सो इसलिए ऐसे में कोई वर्ड दिया गया हो तो उनको हटा देना है, ठीक है बेटा। तो ये आपके रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, और इन सब को आप एक रिवाइज के तौर पर सबको एक साथ पढ़ेंगे, पूरों के डिटेल में एक साथ लिखकर किस प्रोनाउन के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट काम करता है, किसके साथ में क्या लगता है, किसका अर्थ क्या होता है, ठीक है, तब आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। थैंक्स, आगे क्लास में अपन फिर मिलेंगे।